Good morning, my dear students. Welcome to all of you. So, dear students, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमारे क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं उन पर जो भी बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हम कैसे उन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ कराई थी, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों ने उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक बार अच्छे से पढ़ा होगा और क्या कहते हैं उनका रिवीजन किया होगा और आपको क्लियर भी होंगी कि किस केस में हमारा क्या मतलब वैल्यूज आती है जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं या फिर अगर हम उसी वेक्टर का उसी के साथ क्या निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक। या फिर क्या कहते हैं जैसे कि हमारा जो आई क्रॉस आई था या जे क्रॉस जे के साथ जब हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उनकी क्या वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में जो हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या दे रखा है आपको, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, आई कैप माइनस टू जे प्लस बी कैप एंड बी वेक्टर की आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड ए क्रॉस बी, ठीक है। तो आप लिख लीजिए एक बार हिंदी मीडियम वाले, यदि ए क्रॉस सॉरी ए वेक्टर कितना दे रखा था आपका, आई माइनस का टू जे प्लस का थ्री के कैप और तथा बी वेक्टर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, फोर आई प्लस का फाइव जे प्लस का जीरो के कैप, तब ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कीजिए, क्रॉस बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपका आज पहला न्यूमेरिकल क्या है, हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है और आपको क्या निकालना है, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक तरफ से सदिश गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना इस चीज को कि हम कैसे निकालते हैं, ठीक, क्योंकि जो हमारे ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आपको, कोई भी दो वेक्टर्स दे दिया होगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने को बोलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे क्या चीज़ ले रहे हैं, ठीक। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, ठीक है, ये चीज़। तो आपको पहले तो आप ए वैक्टर और बी वैक्टर की वैल्यू लिख लीजिए। आपको ए वैक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आई कैप माइनस का टू जे कैप प्लस का थ्री के कैप हो जाएगा, और बी वैक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, फोर आई कैप प्लस का फाइव जे कैप और प्लस का जीरो के कैप हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। अब मुझे निकालना है क्या है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो आप लिखो इसको ए क्रॉस बी। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, आपको पता है कि जो भी कोई भी हमारा वेक्टर होता है वो किस फॉर्म में होता है, आई जे और के फॉर्म में होता है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे मॉड साइन बनाओगे आप, आई यहाँ पे आई कैप लिखोगे, फिर यहाँ पे जे कैप लिखोगे, फिर यहाँ पे के कैप लिखोगे, ठीक है, ध्यान से देना। आप देखना क्या, सबसे पहले हमने मॉड लगाया और हमने क्या लिखा, आई कैप जे कैप और के कैप। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखो कि हम क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर का बी के साथ निकाल रहे हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट, हम क्या कर रहे हैं, पहले ए वेक्टर है फिर तो उसके बाद से हमारा क्या है, बी वेक्टर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वेक्टर के जो आई जे के की जो भी हमारी कोफिशिएंट उनकी जो भी वैल्यूज है हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर उठाएंगे, तो आप देखो ए वेक्टर में हमारा जो आई कोफिशिएंट है, ठीक है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, तो एक तरफ से वन हम कह सकते हैं ना, तो आप क्या करो इसके नीचे आप वन लिखोगे यहाँ पे, यानी आई कैप के नीचे आई वाले की ही वैल्यू लिखनी है, जे कैप के नीचे जे वाले की और के कैप के नीचे आपको के की वैल्यू लिखनी है, ठीक। अच्छा अब देखो आप ए वेक्टर में जे कैप की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, माइनस टू, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस का टू लिखोगे, ठीक है, ये चीज। अब आप देख सकते हो कि ए वेक्टर में हमारी जो के कैप है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस का थ्री है ना, तो आप प्लस का थ्री, तो यहाँ पे प्लस हमें लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, जो लेकिन जो माइनस होगा आप उसको माइनस साइन के साथ ही लिखोगे, ठीक है, ये चीज हो गया। अब आती है, अब हमने क्या करा, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बी वेक्टर दे रखा है, तो आप देखो बी वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, प्लस का फोर, ठीक है, तो हम फोर लिखेंगे। अब आप देख सकते हो जे का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या दे रखा है, फाइव, तो आप जे के नीचे यहाँ पे जो भी इनकी वैल्यूज होगी बी वैक्टर की उसमें वो लिखोगे, ठीक है, ये चीज। अब नेक्स्ट आप देख रहे हो के वैक्टर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सॉरी के कैप की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, जीरो, यानी के कैप का कोफिशिएंट जो था हमने वो लिख लिया, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप मॉड लगाओगे, आई जे के लिखोगे, उसके बाद से ए वेक्टर में आई की वैल्यू जो होगी जे के लिए जो वैल्यू होगी और के की जो वैल्यू होगी आप वो लिखोगे। इसी तरीके से आप बी वेक्टर में आई का जो कोफिशिएंट होगा वो जे का कोफिशिएंट जे के नीचे और के का कोफिशिएंट आपने क्या करा, के नीचे रखा, ठीक है, ये चीज। अब हम कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या, ठीक है, ये चीज। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा पहला टर्म क्या है, आई कैप क्या ना, तो अब सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आई कैप लिखोगे, ठीक है, ये चीज। तो आप देख रहे हो जो मेरा ये चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, रो कहते हैं ना, ठीक है, ये चीज, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरफ से कॉलम कहते हैं, यानी पंक्ति कहते हैं इसको, ठीक है, ये चीज करके। तो आप देख रहे हो कि जो हमारी ये पहली
क्या है, हमने आई कैप लिया, तो आप क्या करोगे पहले इस वाले हमारे क्या है रो को, पहले रो को ये हमारा क्या है पहला रो हो गया, ये हमारी सेकंड रो हो गई और ये हमारी क्या होगी थर्ड रो हो गई। इसी तरीके से अगर मैं कॉलम, इसको हम क्या बोलते हैं जो वर्टिकल चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं कॉलम, यानी ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा हो गया और ये वाला हमारा क्या हो गया तीसरा कॉलम हो गया। ठीक, तो जब आप क्या करोगे आई कैप हमने लिया तो हम क्या करेंगे आप पहले रो को छोड़ेंगे, उसके बाद आई जो हमारा जिस भी कॉलम होगा उस कॉलम को छोड़ेंगे। तो आप देख रहे हो जो आई है हमारा पहले रो में है और पहले कॉलम में, तो आप इस पूरे टर्म को इसको आप हाइड कर दोगे तो सिर्फ आपकी कितनी वैल्यू बचेगी, इतनी बचेगी ना। जब आपने क्या करा आई कैप को लिया तो आपने क्या करा पूरा ये वाला रो छोड़ा पहला और पहला आपने कॉलम को ड्रॉप कर दिया, तो बाकी हमारा जो टर्म बचेगा क्या बचेगा माइनस टू फाइव थ्री और जीरो। ठीक है, तो आप बस इतने टर्म को देखो, आप इनको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे देखो मैं आपको बता दे रही हूँ साइड में करके ये। ठीक है, इस तरीके से बचेगा ना आपका टर्म, जब आप क्या करोगे इस पहले रो को और पहले कॉलम को छोड़ोगे तो आपका क्या टर्म बचेगा बस इतना ही बचेगा। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे, तो ये क्या आ रहा है माइनस टू की मल्टीप्लाई जीरो के साथ करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू बताओ आप, जीरो आएगी ना। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं बीच में माइनस साइन लगाते हैं, फिर आप क्या करोगे इस थ्री की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये क्या बन जाएगा फाइव थ्री जा फिफ्टीन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कैसे, सबसे पहले आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, जो भी हमारा टर्म आया हम वो लिख देंगे, उसके बाद से माइनस साइन लगाते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ लिखोगे तो क्या आ जाएगा ये जो भी आपकी वैल्यू आएगी आप वो लिखोगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, हमने इसको सॉल्व करा तो क्या आई वैल्यू जीरो माइनस का फिफ्टीन। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब नेक्स्ट हम हमारा क्या है, अब हम किसके लिए लिखेंगे जे कैप के लिए, तो आपको जब भी जे कैप के लिए लिखना है तो पहले ही आप यहाँ पे क्या कौन सा साइन लगाओगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना, ध्यान रखना है जब आई के लिए लिखोगे तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, जब जे के लिए लिखोगे तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे माइनस साइन ऑलरेडी लगाओगे आप पहले। ठीक है, ये चीज़। अब आप देख रहे हो कि जे वाला जो है, अब वही जे हमारा क्या है पहले रो में है, हम पहला रो छोड़ेंगे। अच्छा, अब जो जे है वो हमारा कौन से कॉलम में आ रहा है, ये हमारा क्या था पहला कॉलम था, ये दूसरा है, ये तीसरा। अब हम क्या करेंगे जे हमारा इस वाली लाइन में आ रहा है तो इस वाली लाइन को छोड़ेंगे और इस कॉलम में आ रहा था हम इस कॉलम को छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस कॉलम को और इस रो को ड्रॉप करने के बाद हमारी कौन सी बचेगी वैल्यू वन फोर और थ्री जीरो। ठीक है, तो ये हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ अलग से क्या वन फोर और थ्री और जीरो यही बचेगा ना। अगर आप क्या करोगे इस पहले रो को छोड़ोगे जे के और इस सेकेंड कॉलम को छोड़ोगे तो वैल्यूज क्या बचेगी वन फोर और थ्री और जीरो। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम इस वन की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा ये वन आएगा। ठीक, फिर आप माइनस साइन लगाओगे। अच्छा, आप इस थ्री की मल्टीप्लाई फोर के साथ करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो यानी कि ट्वेल्व आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, सॉरी वन की मल्टीप्लाई जीरो के साथ करोगे तो जीरो, फिर माइनस साइन लगाते हैं बीच में और फोर की मल्टीप्लाई थ्री के साथ करोगे तो क्या आएगा ट्वेल्व आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आप लिख लोगे जीरो माइनस का ट्वेल्व। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम नेक्स्ट हम किसके लिए लिखेंगे केवल के लिए। ठीक है, तो आप के वाले का फिर आप क्या करोगे प्लस साइन के साथ लिखोगे। आपको ध्यान रखना है आई जो होगा प्लस के लिए लिखेंगे, फिर जे के साथ माइनस साइन और के साथ हम क्या लेंगे प्लस साइन लगाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब के लिए हम लिखना चाहते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, के हमारा पहले रो में आ रहा है आप देख सकते हो, तो पहले रो को छोड़ेंगे और हमारा कौन से कॉलम में है तीसरे कॉलम में है ना, कि हम पहले रो और तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आएगी, सिर्फ इतनी ही तो वैल्यू बचेगी हमारी, यानी वन फोर टू माइनस टू और फाइव। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, भाई इस वन की मल्टीप्लाई फाइव के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा आपका फाइव आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बीच में हम क्या लगाते हैं, मैंने आपको बताया माइनस साइन लगाते हैं। ठीक, अब आप क्या हो जाएगा, आप देखोगे इस फोर की मल्टीप्लाई मैं क्या करूँगी माइनस टू के साथ, या मैं बोल सकती हूँ माइनस टू की मल्टीप्लाई फोर के साथ करूंगी तो क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी माइनस का एट। ठीक है, आपको साइन के साथ लिखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगी वैल्यू लिखी मैंने, फिर हम माइनस साइन लगाते हैं, उसके बाद से आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे। देखो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप माइनस टू लिखा है ऑलरेडी, तो माइनस टू की फोर के साथ करोगे तो ये क्या बनेगा माइनस का एट आएगा। ठीक है, और हमारा जो माइनस साइन बीच में हर जगह जो लगता है वो हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आई कैप जीरो माइनस फिफ्टीन क्या बनेगा आपका माइनस का फिफ्टीन आ जाएगा। फिर माइनस का जे कैप लगाएंगे जीरो माइनस ट्वेल्व क्या आएगा आपका माइनस ट्वेल्व। ठीक है, ये तो ये हमारा प्लस के कैप हो जाएगा। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा फाइव, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस बन जाएंगे ना, तो क्या आएगा फाइव प्लस एट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप इनको सॉल्व करो तो क्या बन जाएगा माइनस का फिफ्टीन आई, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का ट्वेल्व जे कैप, और ये क्या हो जाएगा आपका एट और फाइव कितना हुआ आपका थर्टीन, तो थर्टीन के हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई आपके माइनस फिफ्टीन आई प्लस ट्वेल्व जे और प्लस का थर्टीन के। ठीक है, ये चीज़।
ठीक है, तो आपकी वैल्यू ये आ गई। ठीक, तो आपको बिल्कुल भी किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि इतना लॉन्ग है या कैसे करना है। ठीक है, तो आप एक बार फिर से, अगर आपको समझ नहीं आया है तो फिर से एक बार आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देखिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया कि कहाँ पे हमें कैसे साइन लेना है और ठीक है कैसे करना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको एक और इसी तरीके से सेम क्वेश्चन करा रही हूँ एक आपको, ठीक है, जिसको अगर नहीं भी समझ में आया तो उस क्वेश्चन को आप जरूर समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसी सेम हमारा इसी तरीके से प्रोसेस रहेगा और ऐसे ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो डेट द वेक्टर्स ए वेक्टर की आपको वैल्यू दे रखी है 2i माइनस का 3j कैप और माइनस का k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है आपको -6i +9j कैप और प्लस का 3k कैप आर पहले में। सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन लिखिए आप हिंदी मीडियम वाले, सिद्ध कीजिए, सदिश ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस का 3j कैप माइनस का k कैप तथा बी वेक्टर इक्वल टू आपका माइनस का 6i 9j कैप प्लस का 3k कैप एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है जी, तो आज हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए आप ध्यान से, शो डेट द वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, यानी आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, दो सदिश दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों सदिश एक दूसरे के कैसे समांतर हैं, यानी एक दूसरे के कैसे पैरेलल हैं। ठीक है, ये चीज़। तो अब मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल की कंडीशन बताई थी, यानी कि जो हमारा सदिश गुणनफल होता है उसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज बताई थी कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर वो एक दूसरे के कैसे समांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनका जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है यानी कि सदिश गुणनफल, वो किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है ना। ठीक है, इसी तरीके से अगर जो हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर जो दे रखे हैं, अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं यानी सदिश गुणनफल, ठीक है, तो अगर इनकी वैल्यू किसके इक्वल आ जा रही है, जीरो के इक्वल आ जा रही है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो ये वेक्टर्स हैं सदिश ए और बी, वो एक दूसरे के कैसे हैं समांतर, यानी एक दूसरे के कैसे हैं वो पैरेलल हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ए क्रॉस बी को किसके इक्वल प्रूफ करना है, आपको जीरो के इक्वल। अगर आप इनकी वैल्यू जीरो आ रही है तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के पैरेलल, अदरवाइज ये पैरेलल नहीं है, अगर जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो वही हम इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी दो वेक्टर्स भी हैं तो उनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, ए वेक्टर की आप वैल्यू लिख लो 2i माइनस का 3j माइनस का k कैप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बी वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, माइनस का 6i k 9j और प्लस का 3k कैप। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब वही सेम प्रोसेस, कैसे a क्रॉस b निकालना है, तो क्या करेंगे हम पहले मॉड लगाएंगे, यहाँ i कैप लिखेंगे, यहाँ j कैप और यहाँ पर कुछ दूरी पे हम k कैप लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आप देख रहे हो a का हम किसके साथ निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ। तो आप a वेक्टर की वैल्यू देखो, ए वेक्टर में आई की वैल्यू को आप आई कैप के नीचे लिखोगे, यानी कितना है 2 दे रखा है। अच्छा जे जो हमारी कैप है इसका कॉफिशेंट कितना है, -3 है, तो आप जे वाले के नीचे जे की वैल्यू लिखोगे। ठीक है, और के का हमारा कॉफिशेंट क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ नहीं है, तो एक तरफ से हम क्या बोल सकते हैं 1 है ना, लेकिन साइन यहाँ पे क्या है माइनस, तो आप साइन के साथ ही लिखोगे। कोई भी आपको वैल्यू लिखनी है तो आप किसके साथ लिखोगे, साइन के साथ, यानी जो भी हमारा उसके आगे जो चिन्ह होगा आपको उसके साथ लिखना है। ठीक है, ये चीज़। अब आप हमारा देख सकते हो जो बी वैक्टर है उसमें जो आई का कॉफिशेंट कितना है, -6, तो आप यहाँ पे लिख लोगे -6। ठीक है, अच्छा जे का कितना है, +9 है, हम सिर्फ 9 लिख सकते हैं, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा के का हमारी वैल्यू क्या दे रखी है, प्लस का 3, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, ठीक। अब हम क्या करते थे, आपको पता है, अब मैं आई के लिए क्या निकालना चाहती हूँ, इसकी वैल्यू निकालना चाहती हूँ आई कैप की, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे आई कैप। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई जिस भी चीज में है, यानी जिस रो में है और जिस कॉलम में है, उसको क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, और जो बाकी हमारे जो वैल्यूज बची होती है उनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो आई हमारा क्या है,
फर्स्ट रो में। अच्छा, और ये हमारा कौन सा है, पहले कॉलम में भी आ रहा है। तो हम इस वैल्यू को इतने को छोड़ेंगे तो हमारा फिर कितना पार्ट बचेगा, इतने ही पार्ट बचेगा। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, इस माइनस थ्री की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आएगा आपका, माइनस का 9। ठीक है, ये चीज। ठीक, अब हम क्या करते हैं, बीच में माइनस साइन लगाते हैं, मैंने आपको बताया भी है। फिर अब आप क्या करोगे, इस माइनस वन की मल्टीप्लाई इस 9 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 9। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इसको आप ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, जो भी आपको ब्रैकेट यूज करना है स्मॉल, तो उसके वजह से आप क्या है, जो भी हमारा बड़ा ब्रैकेट होता है वो यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू लिखेंगे। तो जे की वैल्यू लिखने के लिए हमें क्या बताया था आपको, यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस साइन लगाएंगे। पहले तो आई वाले में हम प्लस लगाते हैं और जे वाले में हम क्या लगाते हैं, माइनस साइन। ठीक है, ये चीज। अब आप जे वाले में करोगे तो कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू, आप क्या करोगे, पहले रो को छोड़ोगे और सेकेंड कॉलम को। आप देख सकते हो ना, जो जे है वो हमारे फर्स्ट रो में आ रहा है। अच्छा, और किस कॉलम में आ रहा है, सेकेंड कॉलम में। तो जब इसको और इसको ड्रॉप करोगे तो हमारी वैल्यूज क्या बचेंगी, 2 माइनस 6 और क्या बचेगा आपका, माइनस का 1 और 3 बचेगा। ठीक है, यही बचेगी ना वैल्यू, क्या बचेगा, जब आप इस फर्स्ट रो को और इस सेकेंड कॉलम को ड्रॉप करोगे तो आपकी वैल्यू क्या बचेगी, 2 और -6 और -1 और 3। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 6 आएगा। फिर हम माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस माइनस वन की आप माइनस सिक्स के साथ कराओगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यूज क्या बन जाएगी, यहाँ पे 6 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अब प्लस साइन हम लगाएंगे। ठीक, ये चीज़, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीच में यहाँ प्लस साइन लगाएंगे। अब सेम वही करो आप, क्या जो k है वो हमारे क्या है, फर्स्ट रो में है, और जबकि क्या कौन से कॉलम में है, वो थर्ड कॉलम में। तो आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ड्रॉप करोगे तो हमारी सिर्फ कितनी वैल्यू बचेगी, इतनी वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, इस 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, फिर आप माइनस साइन लगाओगे, उसके बाद से आप क्या करो, इस माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 6 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 6 क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा हमारा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, इनको सॉल्व करो आप, कैसे करोगे आप देखो, आई कैप लिखो आप इसको। ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा, ये देख रहे हो आप, माइनस 9 और ये क्या है, माइनस, और फिर हमने ब्रैकेट लगा रखा, तो आपको पता है जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगी तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यानी कि एक तरफ से माइनस 9 और ये क्या बनेगा, प्लस 9। ठीक है, आप देख सकते हो ना, माइनस 9 हो जाएगा और ये क्या है, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे क्या आएगा, आप देख रहे हो माइनस का जे कैप लिखा है, हम ऐसे लिखेंगे माइनस का जे कैप। ठीक है, ये चीज। अब 6 में से 6 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा, तो आप 0 लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब आप देख रहे हो प्लस का के कैप है, हम प्लस का के कैप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़। अब 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। ठीक है, आप इनको ऑल सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9 और प्लस का 9 क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, ये और माइनस का जे 0 और प्लस का के कैप 0। ठीक है, अच्छा, अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई आई के साथ करूँगी तो 0 होगी वैल्यू, जे की इसके साथ करूँगी तो भी 0, और के की हम 0 के साथ करेंगे तो 0। यानी पूरा मिला करके ए क्रॉस बी एक तरफ से क्या आ गया हमारा, इसकी वैल्यू क्या आ गई निकल करके, 0। ठीक है, ये चीज़ आप देख रहे हो ना, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन वेक्टर्स थे ए और बी, वो एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, हेंस द गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि जो हमारे पास दिए गए सदिश एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अगर वो एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा यानी सदिश गुणनफल, वो किसके इक्वल आएगा आपका, 0 के इक्वल। अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो फिर वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा कि हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं किसी भी दो वेक्टर्स का। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ए वेक्टर और बी वैल्यू की डिफरेंट वैल्यूज ले करके उन वेक्टर्स की आप इनको और अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करके देख सकते हो कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, या कहाँ पे आपको किस स्टेप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ठीक है, इस तरीके से। सो चलिए फिर आज की क्लास यहीं भी खत्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।